अलग अलग है और सही है कि बहुत सारी बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि आचार संहिता भी लगा हुआ है, लेकिन एक एजेंडा हम लोगों का है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को किसी भी रूप में हम लोग छूटने नहीं देंगे, उनको एक बार जरूर फिर तीसरा बार उनको भारत के प्रधानमंत्री बनाएंगे, इसलिए हम लोग तन मन धन से बात करेंगे। जी भाई, तो कंस्टिट्यूंसी में हम ये जरूर कहना चाहते भी हैं और यहाँ का जनता का बच्चा बच्चा ये समझता है कि और जानता है जो राजनीतिक के शुद्ध बुद्ध रखता है कि जब से गया कंस्टिट्यूंसी बनी है इस कंस्टिट्यूंसी से कोई भी केंद्र में आज मंत्री नहीं बना है। सब लोगों को ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जी जितना जीतन मोदी को जानते हैं, प्यार करते हैं और तरजीह देते हैं, तो यहाँ से अगर जीतन मांझी सांसद के रूप में जाएगा तो सिर्फ सांसद ही नहीं रहेगा, वो एक कदावर मंत्री बनेगा, ये यहाँ के छोटे छोटे बच्चे भी लोग जानते हैं, तो इसके लिए हम उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन जहाँ तक और मुद्दा की बात है, तो अभी भाषणों में हमने कहा कि हमारा राज्य, हमने हमारा जिला दक्षिणी बिहार में पड़ता है और दक्षिण बिहार में सुखाड़ की बात आती है, पराया नीतीश कुमार माननीय गंगा जल लाने का प्रयास किया गया गया तक, लेकिन वो सिंचाई पर्पज से नहीं है, वो पेयजल के पर्पज से है। और हम समझते हैं, ये नहीं कहना चाहते हैं कि गलत काम हुआ, अच्छा काम हुआ, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उससे कम खर्च में आज 6,000 करोड़ रुपया वहाँ खर्च हो रहा है, 4500-4200 करोड़ रुपया तक खर्च हो चुका, नवादा जाने में और कुछ लगेगा, तो कहने का मतलब फुल रूप में जो गंगा उद्वह योजना जो है उसको आने में 6,000 करोड़ रुपया लगेगा। हमारी सोच यही थी और हमने ऐसा काम भी किया था कि सोन नदी का पानी हम यहाँ फल्गु में गिरावे घोड़ा घाट में, और घोड़ा घाट में गिरा करके उसको हम यहाँ पर बिथो के नजदीक में बराज नहीं, एक बियर बनावेंगे, बराज और बियर में फर्क होता है, बियर बनावेंगे और बियर बना करके एक नहर निकाल करके मुकामा टाल तक पानी ले जाएंगे। तो कहने का मतलब कि वहाँ से जो पानी आता है फल्गु में आता, मुकामा टाल जाता, तो ये हर वक्त प्रवाहित होने वाली नदी ये बन जाती, जो एक शराब इस नदी को है वो शराब से मुक्त हो जाता। और दूसरी बात कि बीथो से लेकर के बोध गया तक दोनों किनारा में, नदी के दोनों किनारा में हम अच्छा सड़क बना देते, जो कि यहाँ वहाँ आदमी को टहलने में, गया का जो ट्रैफिक है उसको ईज करने में भी वो काम देता, उधर से आदमी आता फिर दूसरे कोण से चल जाता। और यहाँ पर एक ऐसा कार्यक्रम होता है इसमें कि अनेकों बोट चलते, अनेकों नावक नावें चलती जिस पर देश और विदेश के लोग आकर नौकायान करते, और उससे बिहार को बहुत ज़्यादा लाखों करोड़ रुपया हम समझते हैं कि मिलता, जिससे कि बिहार की आमदनी में वृद्धि होती। ये हमारे दिल में सबसे बड़ी तमन्ना है और एजेंडा है। बाकी एजेंडा है, एरोड्रम का एजेंडा है, कॉरिडोर जो विष्णुगढ़ कॉरिडोर है और बोध गया कॉरिडोर है, वो एजेंडा है। और बोध गया को हम भी उसका विकास प्राधिकार बनाना चाहते हैं, जैसे आगरा है, जैसे मथुरा है, वहाँ स्पेशल प्राधिकारी रहते हैं तो उसका ज़्यादा विकास होता है, उसी प्रकार से बोध गया विकास प्राधिकार हम बनाने की कोशिश करेंगे ताकि उसका सम्यक विकास हो। और उसके अलावे जैसा हमने कहा कि यहाँ एरोड्रम है, एरोड्रम को आगे बढ़ाने की बात करेंगे, थोड़ा सा काम रुका हुआ है और वो बढ़ जाएगा तो यहाँ अंतर्राष्ट्रीय जहाज भी लैंड करेगी और मालवाहक विमान भी आएगी जिससे यहाँ का माल ढोने में भी होगा, तो इस तरह से भी काम करने की बात करेंगे। अलावे यहाँ पर बहुत सी पहाड़ियाँ हैं, बहुत सी टूरिस्ट पॉइंट है, बहुत से और जैसे बैजू धाम बनाने का उस समय हमने काम किया था वो भी एक है, और बगल में बराबर है, बराबर को भी हमने ये दिया था, विष्णुपथ को राजकीय मेला के रूप में हमने घोषित किया था। ये सारे दिल मेरे में चीज़ मेरे दिल में है और ये एजेंडा के रूप में है, इन सबको हम आगे बढ़ाने का प्रयास करें। कैसी सहमति? देखिए, जब चुनाव है एक लड़ाई है, अब लड़ाई में योद्धा जाता है तो पहले ही हर तरह की तैयारी करता है। तो जब हम लोग पार्लियामेंट्री चुनाव के प्रथम चरण में
इंटर कर गए हैं और 20 तारीख को इसका नोटिफिकेशन भी हो गया है, नॉमिनेशन का दिन चल रहा है। तो हम लोगों ने प्लानिंग किया था कि पंचायत स्तर से लेकर के जिला स्तर तक के समान कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का, जो एनडीए के लोग, एनडीए में चारों पांचों जो पार्टी के लोग हैं, उनको एकत्रित होकर के हम लोग अपनी बात को कहें, उनकी बात को सुने। और इसी के लिए हम धन्यवाद देते हैं खास करके भाजपा के हमारे टिंकू जी के, जिन्होंने बहुत अच्छा से मैनेज किया, और हमारे हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से ब्रत के भी लोग उसमें साथ दिए, जदयू के लोग भी साथ दिए, और एक अच्छी मीटिंग हुई। हजारों की संख्या में हमारे लोग आए, सब लोगों ने सभी नेताओं की बात सुनी और सब लोगों ने संकल्प लिया कि हम नरेंद्र भाई मोदी जी का जो काम है, जो उनका समूचे संसार में आज ध्वजा फहरा रहा है एक लोकप्रिय नेता के रूप में, और सामाजिक क्षेत्र में भी, वैदेशिक दृष्टिकोण से भी, साइंस के दृष्टिकोण से भी, जो उन्होंने हिंदुस्तान और भारत को आगे बढ़ाने का काम किया है, पिछले कई एक दशकों में इस प्रकार का कोई नेतृत्व नहीं मिला था भारत को जो दिया हो, तो उनका 400 सीट का उन्होंने घोषणा की है। हम लोग कहते हैं 400 पार, कोई 11 नहीं, 415, 420, 425 भी हम लोग हो सकते हैं। इसके लिए सब लोग ने संकल्प लिया और उसके लिए आवश्यक है कि बिहार से 400 सीट जीते, और जब बिहार से 400 सीट जीतते हैं तो गया का भी सीट भी जीतने का उन लोगों ने संकल्प लिया कि हर हालत में हम लोग गया की सीट हम लोग जीतेंगे और नरेंद्र भाई मोदी जी की झोली में एक पुष्प जरूर देंगे ताकि 400 पार हो जाए और तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। ये संकल्प हमारे सभी साथियों ने लिया और लोगों ने सबको बताया क्या करना चाहिए, क्या न करना चाहिए, बूथ स्तर पर और प्रखंड स्तर पर समन्वय समिति बना लेना चाहिए और उससे सबसे समन्वय कर करके लड़ाई लड़नी चाहिए। और फिर 28 तारीख को हम अंतिम दिन जो होता है यहाँ का, उस दिन नॉमिनेशन किया जाएगा हमारे द्वारा, जो एनडीए के सम्मिलित परिवार संयुक्त उम्मीदवार के रूप में हम करेंगे, और सभी को उस दिन उपस्थित होने के लिए भी आह्वान किया गया सभी दल के लोगों के द्वारा। तो यही आज का काम था और बड़ा अच्छा से सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इसके लिए सभी जो एनडीए के हमारे साथी हैं जिला स्तर के, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और प्रदेश स्तर से भी भाजपा के और अन्य दल के कुछ लोग आए थे हम लोगों का आशीर्वाद देने के लिए, हम उनको भी बहुत बहुत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।